मेरा फर्स्ट डे वाला ड्रेस राइडर कह रहा है ईद की डिलीवरीज क्लोज हो गई है। यही प्यारा यही प्यारा हिरापी अब बेचारी मेहनत करते हुए जिस ब्रांड ने उसका दिखाया ना ओ ओ मैंने ऊपर से कपड़े निकाले लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ी। शेट ये किसने किया रापी? हिरापी का मामला सीरियस हो गया। हिरापी रोने क्यों लग गई है मम्मा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और पता नहीं मैं यहाँ पे किस हिम्मत से खड़ी हुई हूँ मैं आपको मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है यार, मैं इतनी केयरलेस इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ। मेरा ड्रेस आना था ईद का, कल ईद है, डिलीवरीज क्लोज हो चुकी हैं और मुझे मेरा ड्रेस अभी तक नहीं मिला है। मुझे श्योरिटी थी कि मेरा ड्रेस मुझे आज मिल जाएगा लेकिन मुझे मेरा ड्रेस अभी तक नहीं मिला। और हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, मिक्स फीलिंग्स हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कल क्या पहनूंगी। दुआ कर सकते हैं, अब नीचे जाती हूँ अम्मा को बोलती हूँ कोई पुराना ड्रेस जो पड़ा हो हम उसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं बिकॉज आई कॉन्ट हैंडल। देखते हैं अब क्या होता है मेरे साथ, मैं क्या पहनती हूँ, नो वर्ड्स। अभी जाके सबको ग्रैंड न्यूज़ देती हूँ कि मुझे ना डिलीवरी वालों की कॉल आई है कि डिलीवरीज क्लोज हो चुकी हैं, ऑफिसेस क्लोज हो चुके हैं, हम आपका ड्रेस लेकर नहीं कर सकते। मम्मा मेरा ईद का ड्रेस नहीं आया यार, नहीं आया, पता नहीं रात हो गई, अब कैसे आएगा पता नहीं। मम्मा 9 बज गया, मुझे टेंशन हो रही है मैं क्या करूं। अब मुझे टेंशन डालोगी कि कोई ढूंढ के दो, पेंसिल निकाल लो। मम्मा मेरी ज्वेलरी भी नहीं है, मैंने दो दूसरे हमेशा कहती हूँ कि 8 दिन पहले 10 दिन पहले कपड़े पहले ही मंगवा लो, पहले ही मंगवा लो। इनका हर सबने भेज दी है, मैं मेरी ज्वेलरी गुजरात वाला चली गई है। मेरा फर्स्ट डे वाला ड्रेस राइडर कह रहा है ईद की डिलीवरीज क्लोज हो गई है। यही प्यारा यही प्यारा, कोई पुराना ढूंढ दे, देखती हूँ फिर मिल गया तो। फिर आप ऐसे कहती हूँ उसके मेरा पास एक पड़ा है वो पहन ले। मम्मा जी रहने दे आप, राबिया को कहती हूँ राबिया मैं पता मेरा ईद का ड्रेस नहीं आया यार, मेरे साथ तुम्हारे वाली हुई है। और मुझे हर ईद पे कौन टॉन्ट मारता, रात किसके साथ ये हुआ, अब क्या करोगी? कुछ कर वाकई प्लीज, मेरा ड्रेस तो आया है, पहले सिलेक्ट कर डिलीवरी मैंने सिलेक्ट कर लिया, हर चीज रेडी थी। जिन्होंने मुझे ड्रेस भेजना था ना उन्होंने मुझे टाइम से डिस्पैच करा दिया था लेकिन ये जो डिलीवरी वाले ना उन्होंने लेट किया। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या खिदमत कर सकती हूँ? कोई पुराना ड्रेस ही ढूंढ दो। वैसे उसने कहा है कि मैं कोशिश पूरी कराती हूँ डिलीवर कराने की लेकिन फिर भी अब बता रही हूँ क्या करूँ मैं, कपड़ों से क्या मिला टीटू का बाल यार मुझे जाने, बाकी रबे टेंशन हो रही है, प्लीज प्लीज सोचने दो, पेंशन पहन लो इसे पागल हो, लेकिन कुछ अच्छा सा ड्रेस बताओ ना, पे आप पहन लो, ऐसा करो ये शर्ट पहन लो, जींस पहन लो। रबे प्लीज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जी मम्मा ओए हाँ आप ही को बोलो क्या आप ही को, पर मैं अभी तो नहीं ना गई, उस मुझे था एड्रेस आ जाएगा तो उसने मुझसे पूछा जाना है, मैंने कहा नहीं। आप ही को कॉल करो और उसको बोलो वो आपको बताएगी, उससे एक ड्रेस मंगवा लो। मैं ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकती ना जब तक मैं उसको ट्राई ना करूँ, ऊपर से इतनी रात हो गई मॉल भी बंद हो जाए। पहन लो कौन सा जो मैंने पिछली पे पहना था ब्लैक फ्रॉक, शक्ल तो तुम्हारी बहुत प्यारी, जो पहना था वो पहन लो, लोगों को याद नहीं। कोई कपड़े निकाल के दिखा दो प्लीज, मेरी इस टाइम ना फातिमा वाली हालत हो गई, लास्ट सिचुएशन पे फातिमा की हालत थी। हमारे घर में ना कुछ पुराने कपड़े पड़े थप्पड़ लगाऊंगी रबे, मुझे वाकई टेंशन हो रही है मैं यहाँ से गिर ना जाऊं। हिरापी अब बेचारी मेहनत करते हुए जिस ब्रांड ने उसका दिखाया ना ओ ओ यार, नहीं रबे उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने कपड़े भिजवा दिए हमें, वो इधर ही किसी स्टेशन पे पड़े हुए, वो कह रहे हैं कि हमारी डिलीवरी बंद हो गई है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं। पकड़ो शॉपर, पकड़ो जिसे कपड़े निकाल अंदर से, बातें करवा लो इसे जितनी मर्जी। यार मुझे समझ नहीं आ रही, बता दो ना कोई ऐसा पहनो जो मतलब लोगों को लगे पुराना है, ऐसा करके पहनूंगी ना कि वो लगे कि नहीं पुराना है, बहुत थोड़ी कैमरा में दिखाऊंगी। पर हां निकालो यार, ये तो सारे घर वाले कपड़े हैं, गला शॉपर निकालो, दूसरा निकालो, गिर जाऊंगी। गाइस ही रापे मेहनत करते हुए, इधर नहीं है इधर पड़े हुए। मम्मा मम्मा हीरा वो फैंसी कपड़ों का शॉपर किधर पड़ा हुआ है? हीरा फैसल इन ट्रबल तुमने पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं, बहन के कपड़े पहन लो, ये तो गंगू चांदी और चांदी रहेगी। पिंक कलर की शर्ट अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, इसके पिंक कलर की शर्ट नहीं अच्छी लगेगी इस पे, पिंक नहीं कोई और देख लो ना। थोड़ी उठ के हेल्प करा दो, हाथ लगा दो, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ प्रॉमिस। और दिखाओ ये तो रेड पांडू कपड़े दो,
ये बहुत पहना है, कोई और देखो, कोई और देखो। ऐसे इतना प्यारा था यार। हाँ पहन सकती यार, लेकिन ये ना शादी ही आप ही, ये शादियों वाला थोड़ा सा। हाँ ये थोड़ा हैवी हो रहा है। हाँ कोई और निकालो। ओ ये मैंने ये ना बड़ी पहन ही ना लू, पहले आप ही ने पहना है, फिर तुमने पहना है, फिर पता नहीं किसने किसकी शादी में पहना। नहीं ये मुझे, मैं तो ये मैंने पिछले साल बड़ी ईद पे पहना था, मुझे अच्छी तरह याद है। ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। लेकिन ये बहुत प्रिटी ड्रेस है मेरा, बहुत प्यारा है ये पहन। ऑप्शन है लेकिन यार लोगों ने फिर मेरा मजाक उड़ाना है। नहीं पे कोई बात नहीं, लोगों को पता है क्या कपड़े ईद पे, ईद वाले दिन पे लोगों ने कमेंट जरूर करना है पुराना ड्रेस पहना। पास नहीं कर रहा भैया, किसी ने कमेंट नहीं करना, मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना आपने। गाइस आप ये पहन ले, पहन लो, लोग कह रहे हैं। मेरी अभी तक ज्वेलरी भी नहीं आई, और एक ज्वेलरी आई है उसमें पता है क्या आया है। मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी, इतने बड़े डिब्बे में मुझे पता है क्या आया है, मैं बताती रुक जाओ। ये दो पाउच, ये खाली पता नहीं क्या है, और इसके अलावा बॉक्स में ये इयररिंग्स, बस जो कि उस ड्रेस के साथ, वो इसके साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, प्रॉमिस। जो कि उस ड्रेस के साथ है जो अभी तक मैं, मैंने एक साड़ी भी मंगवाई हुई है ना अपनी सेकंड ड्रेस की, तो वो सेकंड तो साड़ी पहन आई, वो भी नहीं आई, नहीं आई ना मुझे तो, ना मेरी ज्वेलरी आई है, ना मेरी साड़ी आई है, ना मेरे फर्स्ट डे का ड्रेस आया सारा। बेचारी यार, अब मेरी ज्वेलरी वाली के साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरी ज्वेलरी भेजी है, उन्होंने गाड़ी पे रखवा दी और वो गुजरा वाला ले गया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। चीजें मेरे साथ ही होनी है। मैं पिछली ईद पर रोई थी, इस ईद पर आपके आंसू नहीं निकल रहे यार। बताओ मेरी जो आंसू प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। जो चीज राबिया ने पहने थे ना वो प्यारी ही है यार, तुमने पहन लिया ऑलरेडी, ईद पे पहनना है तो कोई बात नहीं, ये नहीं पहनना ना, कोई ऐसा करो जो मतलब पता ना लगे कि पुराना है। ये वाला उतार के इसके अंदर कुछ ना कुछ, मैं की एक बात बताऊँ, हाँ मैं एक बात बताऊँ, नॉर्मल कपड़े पहनो बहुत वायरल जाओगी। पैंट कोट पहन लो। हाँ बहुत वायरल जाएगा प्रॉमिस, पैंट कोट के ऊपर झुक के वायरल से वायरल होना। एक साइड पे मुझे ईद पे पहनने को कपड़े मिल जाए वो एक साइड पे है, ये जो पहना है ये भी अच्छा है, साथ झुमके पहनो साथ दुपट्टा लो, दैट्स इट। तुम पहन लो अपना ड्रेस मुझे दे दो। अगले साल देखना गाइस मैं इस तरह का सिंपल पहनूंगी, आई प्रॉमिस मैं अगले साल ऐसा पहनूंगी। ये कैसे हुई, ये नहीं पहना ना किसी ने, लेकिन ये कपड़ा बहुत मोटा। हाँ ये भी प्यारा है। हाँ कपड़ा बहुत मोटा ही, सर्दियों वाला है, प्यारा है यार। किसी ने पहना था। हाँ पर ये पठान ही क्यों, नहीं नहीं ये नहीं अच्छा, मेरा वाला इससे ज्यादा प्यारा है। इससे जब बाहर जाके लेना है रापी नया, यार रापी इतनी रिच हो, नया ले आते हैं यार। ओह रोने क्यों लग गई हो, हीरापी का मामला सीरियस हो गया, हीरापी रोने क्यों लग गई है मम्मा। मैंने कहा मैं रो रही हूँ तो झुक के क्यों बैठी हूँ, झुक के भी ना बैठो। टेंशन हो रही है। ये वाला भी अच्छा है, इसके नीचे अगर शरारा पहन लो तो क्या कहते हैं, शरारा रब इसके साथ मैच नहीं कर। अरे नहीं एक ना कलरफुल शरारा पड़ा वो इसके साथ अच्छा लगेगा। बेल हुई है बाहर, ये अच्छा है यार। नहीं रबिया आपका पार्सल आया, किसका आया देखो, मेरा ही नहीं आ रहा है। एक ही रापी का, अल्लाह करे मेरा और मेरे ज्वेलरी आनी थी, मेरी अभी तक ज्वेलरी नहीं आई। नहीं मेरा इसके साथ रापी पटियाला सलवार है वो पहन, कलरफुल पटियाला सलवार है प्यारा। हाँ नहीं यार, नहीं 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 कुछ और, फिर ऐसा करो रुको आओ देखते हैं, इधर आओ जरा, आओ आओ देखे कुछ और दिखाओ। रबे ये वाला नहीं यार, ये पुराना हो चुका है। हाँ पकड़ो इसको, हीरा के कपड़े आए हैं, पुराने कपड़े हो इसके। गाइस हीरापी खुश हो गई, 9 बज गए, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी मेरा पार्सल नहीं आएगा। ओके गाइस फाइनली मेरे पास है गुड न्यूज, मेरे कपड़े आ गए हैं और राबिया लेके आ रही है, ले आ भाई उस्ताद आ गया है ते छा गया है। एंड आई जस्ट मेरे कपड़े अभी ना दिखाओ सबको, मेरे कपड़े आ गए, मुझे बिल्ली भी नहीं था, लेकिन मैं आपको कलर दिखा देती हूँ कि कौन सा कलर है, खोलो तो सही, ये कलर है मेरे ड्रेस का, पोटली ना दिखाओ भी, मुझे रोना हो रहा है। I can't explain अपनी खुशी, सारा गंद फैला दिया है मैंने, कसम से मैं दिल में दुआ की थी आपके लिए, प्रॉमिस मैंने दुआ की थी, मेरी तो दुआएं तो किसी काम की नहीं है ना, इसका दुखी कम कर दो, लेकिन अभी मुझे आधा दुख और है, मेरी अभी ज्वेलरी नहीं आई, वो गुजरा वाला पहुंची हुई है, कब आएगी यार मेरी पहन लेना यार, उसकी टेंशन यार, मैंने इसका स्पेशल कस्टमाइज बनवाई है मुझे, ये तो मैच नहीं होगा,
नहीं नहीं ये वाला ये मैंने साड़ी के लिए बनवाया, अभी तक मेरी साड़ी भी नहीं आई है, लेकिन चलो ईद फर्स्ट डे का ड्रेस आ गया मेरे लिए, यही बहुत है। सिर्फ एक क्यों भेजा यार, ये तो बहुत गलत बात है, एक इयररिंग उसको मुश्किल। अरे मैंने खुद एक मंगवाया था क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ एक ही जा रहा था। क्यों मंगवाते हैं यार, बस मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अभी भी मेरी दो चीजें आने वाली रहती हैं, अब मैं गंजी हूँ ईद पे, ज्वेलरी के बगैर हूँ। ड्रेस आ गया फिर भी ना शुक्री, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि ईद पे मैं पहनूंगी क्या ज्वेलरी। रब की कौन कौन सी नियमतों को छोड़। ओह माय गॉड, आज मुझे वाकई यकीन हो गया कि अगर आप दिल से दुआ मांगो ना, दिल से, तो वो लाजमी कबूल होती है। क्या क्या फबी है ये अल्लाह रब की कुमार और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुड़ाओगे। एक मेरा कोट्स, इफ टुडे वाज हेवी पुट इट डाउन एंड लेट इट गो। इधर आओ, पुट इट डाउन करूं, ये लो यार, मैंने तो आप पे लगा दिया है। खुशी हो रही है मुझे राबिया, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरे कपड़े आ गए हैं यार, बहुत प्यारा है। दिखाओ जरा मुझे कपड़े, तो दिखाओ। अरे मैं बताती हूँ, इसका वो है शरारा टाइप है, पर मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, यहाँ बाद में देखना, ईद पे देखना उसको तैयार है, ठीक है ना, ज्यादा चीटिंग ना करो तुम लोग भी। मेरी बहन ने कहा है तो प्लीज आप ईद वाले दिन देखना। ओह माय गॉड, मैं कैप्चर नहीं कर सकी, मैंने ऊपर से कपड़े निकाले लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ी। शिट, ये किसने किया रहा? लकड़ी फूली पड़ी है, शुक्र है कोई पास नहीं था, उसके ऊपर गिरा है। ये तो नहीं टूट गया? नहीं, बच्चा तो यार ये काला नमक घुमा हुआ था, ये किधर से मिला आज? मुझे लग रहा है कोई इसके ऊपर चढ़ा है। मम्मा मैं नहीं चढ़ी इसके ऊपर, मैंने कपड़े बेड पे चढ़ के उतारे, मैंने व्लॉग भी बनाया, मैं आप गवाह है इस चीज की। ओह माय गॉड, बहुत बुरी आवाज थी। ईद पे ईद मुबारक, आज हमारा घर का फर्नीचर भी जवाब दे। रबा क्या कहना चाहोगे? तुम्हारे बाल क्यों उड़ गए? मेहमानों ने भी आना ना, तो उन्होंने ये साइड टेबल ये रखा है इसके ऊपर, किसी ने इतना वजनी, इतना भी वजनी नहीं है यार, दिखाओ, इतना भी वजनी नहीं है फातिमा, इससे ज्यादा वजनी तो ज़ैनब का हाथ होगा जो उसके ऊपर रोज आता है। गत्ता फूला हुआ ना इसका, ना ये गत्ता फूल गया। तुम्हें लगा था नहीं यार? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मामा प्रोमिस, मैंने उसके ऊपर चढ़ के कपड़े नहीं उतारे, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी जब ये गिरा, इतनी बुरी आवाज आई है कि बस, कि ये ड्रॉर्स अभी ऊपर भी नहीं होते। मैं इसको ऊपर कैसे करूं, बहुत भारी है ये, बहुत भारी है ये, मेरे बस की बात नहीं, पापा आके देखेंगे इसे। तो पापा देखेंगे ना दिन में तारे, तुम्हारे बाल उड़े। ये देखिए मम्मा, मैंने नहीं गिराया है, ये वाला शॉपर रखा है, नहीं तो पहले ये बताओ, ये शॉपर हल्का है तेरे लिए? मम्मा इतना ज्यादा हस वजनी भी नहीं है, कपड़े इधर दराज पर रखने का क्या दुख बनता है? मैं नहीं चढ़ी उसके ऊपर यार, इल्जाम लग रहा है मेरे ऊपर। कल ईद है तो शुभ शुभ बोलो ना मम्मा, क्या पहले ही वो फूला हुआ है, गुस्से से मुझे डर लग रहा है। मम्मी प्रॉमिस, मेरा काम नहीं है ये, सच में ईद से पहले हुआ एक्सीडेंट। बस कर दे, बाद में दिखा देना पापा को। क्या हुआ? नाराज हो गई हम मम्मा आपसे, ये पूरा चैप्टर का वजन है, हाँ हल्का है। लेकिन मम्मा द पॉइंट इज दिस कि शॉपर की बात नहीं है, इसको फिक्स और कराना चाहिए, कोई ऐसी गलती से ही बाजू का वजन रख के खड़ा हो जाता है। ओके गाइस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, एक मेरे ड्रेस का सरप्राइज, एक ये गिरने वाला सरप्राइज, अगर आप ये दोनों अच्छे लगे हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, बल्कि आपने क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को स्मैश करना है जोर से टक करके, ठीक है, और बहुत सारा प्यार देना है। क्या बदतमीजी है, बहुत सारा प्यार देना है, और जो इस वीडियो के बाद जो आपको मेरी दो वीडियोज नजर आएंगी वो भी क्लिक करके देखनी है दोनों, ठीक है, बाय बाय।